जय सिया राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत एक वर्ष से हमारा भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोविड-19 नाम की महामारी से जूझ रहा है। न जाने कितने कितने परिवार इस महामारी के कारण उजड़ गए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने घरों पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें। यदि बाहर जाना है, वैसे तो ना जाएं, पर यदि जरूरी है, जाना ही है, तो मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें। साथ ही साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को सही करने के लिए प्रतिदिन घर पे यदि आप हैं तो इस समय सभी फ्री हैं, योग करें, प्राणायाम का सहारा लें, एक्सरसाइज करते रहें। साथ ही साथ पॉजिटिव ना हो पर पॉजिटिव रहें, मतलब सकारात्मक बने रहें। बुरी खबरों को, बुरे न्यूज को ना सुने, ना देखें, भजन सुने, अच्छा संगीत सुने, सकारात्मकता को बनाए रखें, नकारात्मकता से दूर रहें। और हमारे आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, वैसे आप सब जानते होंगे, गिलोय एवं तुलसी। गिलोय और तुलसी को आप 2 गिलास पानी में उबालें और जब वो उबल करके 1 गिलास बचे तो 1 कप सुबह 1 कप शाम को इस काढ़े को जरूर पिएं। आप सब इंटरनेट की दुनिया में हैं तो फोन सभी के हाथ में है, गिलोय और तुलसी के महत्व को आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो गिलोय एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है जिसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप गिलोय एवं तुलसी को उबाल के काढ़ा बना करके 1 कप सुबह 1 कप शाम को लें। इस काढ़े को पीने से 99.9% आप कोरोना वायरस कोविड-19 से बच सकते हैं। दूसरी चीज, अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। अपनी चारों तरफ आज नकारात्मकता है, लेकिन कोशिश करें कि हम सकारात्मक बने रहें, क्योंकि सकारात्मकता एक ऐसी ऊर्जा है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। साथ ही साथ जब आप अपने घर पे रहें तो भजन करें, ये समय बहुत अच्छा है हमारे पास। नॉर्मल समय में तो हम व्यस्त रहते हैं, बहुत से काम हमारे पास होते हैं, लेकिन ये समय जब हम फ्री हैं तो जाप करें, भजन करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और साथ ही साथ उन परिवारों के लिए भजन करें जो इस समय इस महामारी से जूझ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान उन सभी को सुरक्षित अपने घर वापस ले आए, क्योंकि दुनिया में ईश्वरीय सत्ता से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा भजन, थोड़ा थोड़ा जाप करें, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, घर पर रहते हुए अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद।